जा, तुम ये FIR वापस लोगे या नहीं? अबीर, छोड़िए मुझे। निर्जा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हाथ हटाइए, हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है, हाथ हटाइए आप। तुम्हें फोन किया था ना मैंने? तुमने फोन नहीं उठाया? निर्जा, तुम्हें मैंने फोन किया था, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अबीर। क्या अबीर? कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी तुम पुलिस स्टेशन में? दादा के खिलाफ तुम झूठे बयान दे रही थी, कहानियां बना रही थी। मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है, लेकिन आपकी आंखों के ऊपर तो परिवार की इज्जत और प्यार की ऐसी पट्टी बंधी है कि आपको ना सच दिखाई दे रहा है और जो चक्री के साथ हुआ है ना वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे सच भी दिखाई दे रहा है और ये पापी भी। आफ्टर छाड़ू मिस्टर बागची, कहा ना आपसे, हाँ जलाइए। सेक्शन 195A, अबीर छोड़िए मुझे, मैं नहीं चाहती कि आपको जेल जाना पड़े। किसी चश्मदीद गवाह को धमकाने पर लगती है सेक्शन 195 है, 7 साल की जेल हो सकती है आपको। इसलिए तुम्हारे सपने को पूरा करवा रहा था ना मैं, ताकि आज ये दिन देखना पड़े। जिस पति ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वो सब कुछ किया कि तुम लॉ कॉलेज जा सको, उसी को तुम कानून के धाराओं की धमकी दे रही हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अबीर के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि जिस पति ने इतने सपनों और अरमानों के साथ मुझे लॉ पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरे किसी अपने के साथ अन्याय है और मैं उसे न्याय ना दिलवा सकूं। मैडम, आपका मुजरिम भागने की कोशिश कर रहा है। भागते तो वही है ना जिसने कोई जुर्म किया हो। सही कहा आपने कौशिक जी, आप यहीं खड़े रहिए, आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? मैडम, अब अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए। गिरफ्तार कर लो इसे। ए, रुक, रुक, खबरदार, किसी ने दादा को हाथ लगाया ना, अभी समझ में आ रहा है? अभी दादा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या कर रहे हो अभी? अबीर, जुर्म है ये। अपने गुस्से पर काबू रखो, ये वक्त बेवकूफी से नहीं समझदारी से काम लेना होगा, संभालो अपने आप को। अबीर देखिए। शट अप, शट अप। जानती हो ना तुम कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, तो मेरे लिए भी मेरी दोस्त को इंसाफ दिलाना सब कुछ है। शिफाली मैडम, आप अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए। प्लीज कोऑपरेट, अदरवाइज हमें जबरदस्ती करनी होगी।
आप इन्हें बाहर लेकर रुकिए। चलिए मैडम, अब हमें उस जगह जाना होगा जहाँ पे क्राइम हुआ था। टेरेस पर चलते हैं। मैडम, आपकी फॉरेंसिक टीम टेरेस पर जाकर जांच पड़ताल कर सकती है। गुड। उसके बाद वापस आकर आप सब घर वालों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। चलो नीरजा। नीरजा, छूना नहीं। फॉरेंसिक टीम, अनिल रखो उसको। शिफाली मैडम, ये पायल रोतिमा ने दी थी चक्री। अगर ये पायल यहाँ पर है, इसका मतलब कैसे घसीटा होगा ना उसको, दर्द हुआ होगा उसे। अगर पायल यहाँ है, इसका मतलब कौशिक यहाँ आया था। मैडम, ये देखिए। लगता है किसी नाड़ी ने बाद में जल्दी जल्दी में खून के निशानों को डालने की कोशिश की है। क्या? पर किसने? ऐसा कौन कर सकता है? मैडम, এখানে আসুন, টেবিলটা ভাঙা আছে। ফরেনসিক টিম, ये देखो। शिवाली मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्री और कौशिक के बीच में हाथापाई हुई होगी, और चक्री ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दिया होगा और तभी ये टूटा होगा। इसका मतलब वो यहाँ थे। ये बटन तो कौशिक के कुर्ते का है। हाँ मैडम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और इसी रंग का कुर्ता तो पहना हुआ था उसने। चारू। यस मैम। पैकेट लाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और भी था यहाँ, पर कौन? धक्का मुक्की की तो यहाँ पे साफ निशान दिख रहे हैं। इससे पहले चक्री यहाँ से गिरी, उसके साथ खींचतानी तो हुई होगी। मैडम, ये देखो, खून लगा हुआ है। ये खून के धब्बे तो कुछ ही घंटे पहले के हैं। इसका सैंपल टेस्ट करो, चक्री के ब्लड सैंपल के साथ मैच करो।
शेफाली मैडम, गिरने के बाद खून निकलना ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ टेरेस पर खून के निशान होना, इसका मतलब गिरने से पहले भी चक्री पर हमला हुआ होगा। हो सकता है कि उसे गिराने से पहले वार किया गया हो और फिर गिराया गया हो ताकि ये हादसा लगे। कितनी बेरहमी से मारा होगा उसने मेरी चक्री को, कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितना चिल्लाई होगी वो मदद के लिए, दया के लिए, लेकिन मैं भी उसकी आवाज नहीं सुन पाए, कुछ नहीं कर पाए मैं चक्री के लिए। नीरजा, नीरजा अपने आप को दोष मत दो, इन जज्बातों को अपनी ताकत बनाओ और चक्री के खिलाफ लड़ो। बाकी सब जगह भी चेक करो, कोई भारी चीज है जिसे चक्री के सर पे वार किया गया हो। जी मैम। मैडम, हमें ऐसा कोई चीज तो नहीं मिली जिससे विट्टू को मारा गया हो, पर हमने हर जगह अच्छी तरीके से चेक किया है और हमें जो भी सबूत मिले उससे हमें काफी कुछ पता चल सकता है। इसके बाद कौशिक बाक्षी के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीरजा, अगर हमें वो हथियार मिल जाए जिससे चक्री पर वार हुआ था, हो सकता है कि उस पर खून का निशान भी मिले और फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाए, तो फिर कौशिक की गर्दन कानून के शिकंजे में पूरी तरह से फंस जाएगी। चलो। जी मैम। अनिल, अगर यहाँ कोई और भी था तो मुझे उसे ढूंढना होगा, क्योंकि उससे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ पता चला? आशिक बेकसूर है ना? मैं जानता था कि कुछ नहीं मिलेगा। पैकेट दो। इसे पहचानती हैं आप? अरे हाँ, ये तो मेरे कौशिक जी के कुर्ते का बटन है। मैं कब से ढूंढ रही थी। अच्छा वो मिल गया, वापस दे दीजिए ना, मैं सिल दूंगी इसे। ये किस बेवकूफ से शादी की है मैंने, और मुझे क्या किया तुमने? शुरुआती जांच से यही साबित हुआ है कि चक्री के साथ छत पे जबरदस्ती हुई। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सवाल क्यों पूछा? कौशिक जी के बटन से क्या लेना देना है इस केस का? हम कौशिक को शक के बिना पर गिरफ्तार कर रहे हैं। ज्यादा दिन जेल में रख नहीं पाएंगे आप, लॉयर्स मेरे पास भी हैं। आप अपना काम कीजिए। हम अपना काम करेंगे, पहले तो इनका पंचनामा होगा, और आप सब लोग शाम को आके थाने में स्टेटमेंट दे दीजिएगा। और हाँ, फिलहाल आप लोगों में से कोई भी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती कोलकाता से बाहर नहीं जाएगा। पूरा टेरेस को सील कर दो, और जहां बॉडी मिली थी वहां भी। हो गया मैडम। चलिए बाबा, बाबा। कौशिक, रुक जाइए, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए माँ, माँ, कौशिक, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। आपको जो चाहिए मैं दूंगी, की चाहिए बोलो, मेरे बेटे को लेकिन छोड़ दीजिए। मां,
बिल्कुल दूर रहो, मुझसे और मेरे परिवार से। कौशिक सार्थक, भाई तु, 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 तुझे मुझ पे भरोसा है ना? मुझ पे भरोसा? हाँ दादा। ये नीरजा मुझे फंसा रही मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, आप सुन रहे हैं ना, मैं बेकसूर हूँ बाबा, मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं हुआ। दूर चलिए 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 बाहर चलिए मैम, बाहर चलिए। अगर छापना है सच्ची खबर छापिए। आ गए मुंह उठाकर किसी के बोलने पर, दादा बेकसूर हैं, इन्हें फंसाया जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए ऐसे बाहर, चलिए सिक्योरिटी बाहर निकालेंगे, चलिए। क्या मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय बागची के बड़े बेटे कौशिक बागची रेपिस्ट हैं या बेगुनाह है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ न्यूज मार्गदर्शन। क्या सोना गाची की लड़की की हत्या हुई है या फिर रेप? क्या यही है अमीरों का खेल? क्या नीरजा बागची ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज एक्सट्री। सब खत्म हो गया, इस लड़की ने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब तो मेरे लिए और तुम्हारी माँ के लिए सिर्फ ये बचा है कि हम अपनी जान देते हैं। इस बेइज्जती, इस शर्मिंदगी से तो ये अच्छा होगा कि हम तो बस मर जाएं। लेके चलो। माँ, बाबा, माँ, अभी। सोना काची की गंदगी है तू नीरजा, सोना काची की गंदगी। मैं तो बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा और तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज जैसे तूने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है ना, वैसे ही तेरी इज्जत को सरेआम नीलाम करूंगा मैं। हबीर, हबीर मेरे भाई, मेरे लिए नहीं पर माँ बाबा के खातिर तू इसको माफ करना, मैं बता रहा हूं तेरे को। इसने जो बेशर्मी की है ना, इसने जो हमारे साथ किया ना, उसकी तू दोगुनी सजा देना इसे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको बाहर निकालूंगा, कुछ नहीं होगा दादा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं आपके साथ, मेरे परिवार के साथ। दादा सिक्योरिटी, वहीं रुको। तुम इस घर की दहलीज को नहीं लांग सकते। ना तुम्हारी इस घर में जगह है और ना जरूरत। बोला ना तुम्हें, बोला ना कि तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। नहीं अबीर, मैं धर्म से, फर्ज से और कानून से आपकी पत्नी हूँ, और आप चाहे माने या ना माने, आपका परिवार, आपका घर मेरा भी घर परिवार है।
इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते।